नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सुल्तानगंज से 7 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कहलगांव में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार ने किया नॉमिनेशन। मेडिकल कॉलेज छात्रावास के गार्ड की अपराधियों ने की हत्या। संदिग्ध अवस्था में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। वाहन चेकिंग के दौरान मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में शराब बरामद। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ट्रेन परिचालन को लेकर रेलवे ने किया नोटिफिकेशन जारी। 12 अक्टूबर से दिल्ली और कोलकाता के लिए चलेगी ट्रेन। 6 माह बाद यात्रियों को मिलेगी राहत। और नवगछिया में लापता युवक का शव पोखर से हुआ बरामद। घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी का सिंबल मिलने के बाद नॉमिनेशन करने विभिन्न पार्टियों के नेता पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं प्रथम चरण के चुनाव के लिए बुधवार को सुल्तानगंज विधानसभा से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इधर बुधवार को भागलपुर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में महागठबंधन के उम्मीदवार ललन कुमार यादव, निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार गुड्डू, जनता दल राष्ट्रवादी के पंकज कुमार, आम अधिकार मोर्चा से धर्मेंद्र सिंह, बीपीएल पार्टी से बीना कुमार, एसयूसीआई से नरेश दास और निर्दलीय प्रत्याशी रामानंद पासवान ने नॉमिनेशन कराया। इसके अलावा 4 उम्मीदवारों ने भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए नजारत रशीद कटाई। रिटर्निंग ऑफिसर सह डीसीएलआर गिरिजेश कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर से शुरू नामांकन प्रक्रिया में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कराया है, जबकि 18 उम्मीदवार एनआर कटा चुके हैं। वहीं एनआर काउंटर समेत सभी जगह पर अधिकारी एवं कर्मचारी ससमय उपस्थित दिखे। बता दें कि चुनाव को लेकर नामांकन काउंटर के इर्द गिर्द और समाहरणालय के बाहर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इधर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन कराने आए महागठबंधन के उम्मीदवार ललन कुमार यादव ने कहा कि युवाओं के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन तय है। वहीं नॉमिनेशन कराने आए सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में विजय होने के बाद क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य करने की बात कही। राजनीति का विचार तो छात्र आंदोलन से मैं राजनीति में आया। जो बिहार की विधि व्यवस्था और बेरोजगारी जो एक अहम मुद्दा है युवाओं के लिए, उस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। देखिए, हमारे सुल्तानगंज विधानसभा का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो रहा स्थानीय उम्मीदवार होने का। और गौर करें तो पूर्व के दशक में हमारे यहाँ से श्री फणीन्द्र चौधरी जी हमारे माननीय विधायक रहे और उनके बाद आज तक हमारे यहाँ कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं हो पाए। वहीं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पिता की सियासत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत ही सादगी के साथ शुभानंद मुकेश अपने कुछ समर्थकों के साथ कहलगांव अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि शुभानंद मुकेश बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता और कहलगांव से 9 बार विधायक रह चुके सदानंद सिंह के पुत्र हैं। सदानंद सिंह ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लेते हुए अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अपने पुत्र शुभानंद मुकेश को सौंपी है। पर्चा दाखिल करने के बाद शुभानंद मुकेश ने बातचीत के क्रम में बताया कि पिताजी की राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज सेवा में रुचि मेरी बचपन से ही रही है, अब पूर्णकालिक राजनीति में आ चुका हूँ। इंजीनियरिंग का अनुभव रखने वाले शुभानंद मुकेश का उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। मेरे पास 10 साल कहीं लेखा जोखा है और ये 10 साल में 368 करोड़ का लेखा जोखा मैं तीनों प्रखंड के बारे में दे रहा हूँ। और 10 ही साल पहले बता दें जो पक्ष किया नहीं, अगर नहीं हुआ है तो इसका प्रमाण दे दें, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। और जो भी अब तो गति आगे बढ़ेगी, जो मूलभूत चीज़ें उससे हम आगे बढ़ गए हैं, बिजली सड़क पानी से आगे बढ़ गए हैं, तो अब क्या है, इंडस्ट्री लगेगी, अब कुटीर उद्योग लगेंगे, अब यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन के लिए कैसे ऑल्टरनेटिव रूट NH के अलावा हम डेवलप कर सकते हैं, ये सब पर काम है। वहीं लगभग 2 बजे NDA के भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार यादव ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।
इसके उपरांत पवन यादव ने कहा कि मैं गांव में पला बढ़ा एक गरीब का बेटा हूं, इसीलिए मैं आम लोगों की जरूरतों को काफी करीब से समझता हूं। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प कर दूंगा। इसके अलावा लोक समता पार्टी के भगीरथ मंडल ने भी अपना नामांकन कराया। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के दौरान अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। बुधवार की दोपहर 1 बजे गार्ड शिवनंदन मिश्रा ने ड्यूटी पर आने के बाद जब आवाज दी तो गेट नहीं खुला। काफी आवाज देने पर भी जब गेट नहीं खोला गया तो शिवनंदन मिश्रा ने हॉस्टल इंचार्ज निशा कुमारी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद हॉस्टल इंचार्ज मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही CTSP सुशांत कुमार सरोज, ASP पूरन कुमार झा और तिलकामांझी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दलबल के साथ हॉस्टल पहुंचे। वहीं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो गार्ड शिवरंजन यादव उर्फ सिंटू का शव बेड पर पड़ा था, जिसके बाद घटना की सूचना गार्ड के परिजनों को दी गई। CTSP ने कहा कि मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड की हत्या हॉस्टल के अंदर ही किसी हथियार से कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही अपराधियों का पता लगाकर गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं गार्ड शिवनंदन मिश्रा ने कहा कि गार्ड सिंटू कोयली खुटाह का रहने वाला था और 4 साल से हॉस्टल में गार्ड के रूप में कार्यरत था। साथ ही कहा कि शिवरंजन का किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन किसने घटना को अंजाम दिया इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहीं गार्ड के परिजन भी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और शव को देखकर परिजनों का बुरा हाल है। जानकारी हम लोग को मिली कि ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, एलर्ट्स कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी ड्यूटी रात में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक था। जो दूसरा गार्ड जिसकी ड्यूटी 1 बजे के बाद से था, वो आया तो ये गेट भीतर से बंद रहता था ना, वैसे ही वो बंद रखता था, बंद था, खोलने का बहुत प्रयास किया नहीं खोला। जब फिर वो जब जानकारी दिया, जब देखा गया तो वहाँ पर वो मृत पाया गया। फिर थाना पुलिस जानकारी दिया गया, थाना अध्यक्ष आया, सिटी एसी साहब आए, हम लोग सबको देखे तो हत्या एक की गई है। जो हम लोग बॉडी को अवलोकन किया उससे सिर पर कोई तेज जख्म है, तो उससे हत्या हुई है। हत्या के कारणों का और हत्या किसने किया है हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद की जल्द उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुंगेर पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 1370 लीटर शराब जब्त किया है। मुंगेर SP लिपि सिंह के निर्देश पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसको लेकर मुंगेर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मामले को लेकर मुंगेर SP लिपि सिंह ने कहा कि कासिम बाजार थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में भगत सिंह चौक के समीप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध मैजिक वैन पर पड़ी, जिसके बाद मैजिक ड्राइवर गाड़ी पीछे करके भागने लगा। तभी पुलिस की टीम ने चालक को धर दबोचा और मैजिक वैन से 1300 लीटर से अधिक शराब बरामद किया है। SP ने कहा कि शराब की खेप पश्चिम बंगाल से आ रही थी और इसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी। इसके अलावा तारापुर क्षेत्र से भी पुलिस ने 70 लीटर शराब बरामद किया है। कल मुंगेर पुलिस के द्वारा 7 से 11 बजे शाम में वाहन चेकिंग कराई गई। सघन चेकिंग अभियान जो हम लोग चला रहे थे, उसमें तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 70 लीटर देसी शराब बरामद हुई और कासिम बाजार में भगत सिंह चौक के पास एक पिकअप वैन को जब चेक किया गया, क्योंकि उससे जो ड्राइवर था वो देख करके पुलिस की चेकिंग भागने लगा, तो उससे हम लोगों को वहां पर करीब 1300 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। ये जो चेकिंग अभियान है ये चलाया जाता रहेगा। जितने भी हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट हैं और तथा जिले में भी कई जगह जो व्हीकल पोस्ट चेकिंग करने के लिए पोस्ट लगाया गया है और ये सतत अभियान हम लोग का चलता रहेगा। भागलपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। COVID-19 को लेकर करीब 7 माह से बंद मालदा से दिल्ली जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस और जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस के परिचालन की अधिसूचना रेलवे ने जारी कर दी है। भागलपुर होकर चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस का परिचालन 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। दोनों ट्रेन कोविड स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी और ट्रेन खुलने का समय पूर्ववत रहेगा, जबकि रिजर्वेशन गुरुवार से शुरू हो जाएगी। वहीं AC और स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट 11 अक्टूबर से मिलेगा। यात्रा के दौरान COVID-19 के गाइडलाइंस का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। बता दें कि पहले दोनों ट्रेन 1 अक्टूबर से चलनी थी, लेकिन बंगाल सरकार की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण परिचालन शुरू नहीं हो सका।
हालांकि रेलवे की पहल पर बंगाल सरकार की सहमति के बाद अब सारी अटकलें खत्म हो गई है। अब यात्रियों की सुविधा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने परिचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही डिवीजन की ओर से और भी कई ट्रेन चलने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। कोविड स्पेशल ट्रेन होने के कारण फरक्का एक्सप्रेस सबौर, बरियारपुर, बढ़िया और अकबरनगर में नहीं रुकेगी, जबकि जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस का सबौर, घोघा, इकचारी, अकबरनगर और मिर्जा चौकी में ठहराव नहीं होगा। ट्रेन के परिचालन शुरू होने से अब दिल्ली, यूपी, बंगाल, पटना, मुंगेर समेत मालदा, भागलपुर, जमालपुर के यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी, जबकि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में लोग आसानी से अपने घर आ जा सकेंगे। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधन की ओर से ट्रेनों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसको लेकर स्टेशन परिसर में नियमित रूप से साफ सफाई एवं कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को लापता 29 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी नटवर यादव के रूप में हुई है, जो सोमवार की शाम से लापता था। मृतक के परिजनों ने मंगलवार को काफी खोजबीन के बाद गोपालपुर थाना में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार की अहले सुबह ग्रामीणों को गोसाई गांव पुलिया के पास पोखर में छत विछत स्थिति में शव दिखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रही है। घटना के बाद से परिजन काफी सदमे में है। घटना तो यही हुआ कि 5 तारीख को सुबह में खाना वाना खा के घर से निकले, उसके बाद फिर घर घूम के नहीं गए। परिजन को पता चला 12-1 बजे रात में कि घर से आया, मतलब गाय बथान पर से आया नहीं। फिर पता करने के लिए बथान गए तो वहाँ से कोई मिला नहीं। फिर थाना गए, थाना में रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट से फिर आए। कल थाना प्रभारी भी आए थे छोटा बाबू, वो लिख उख के गए, जगह वगैरह देख करके गए और आज सुबह में बोली। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी और हाथ जोड़कर लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की थी, जिसके बाद देश भर में इसका असर देखने को मिला। लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, बाहर निकलने वालों पर प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का हवा हवाई हो गया। लोग खुलेआम निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने सरकारी दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। बुधवार को भागलपुर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के सामने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन कराने आए प्रत्याशियों के साथ दर्जनों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन इस भीड़ को हटाने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि नॉमिनेशन कार्यालय के बाहर भीड़ न लगे, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई रास्तों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। फिर भी प्रत्याशियों के समर्थकों को पुलिस के जवान इकट्ठा होने से नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं नॉमिनेशन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हो या पार्टी के उम्मीदवार, सभी चुनावी खुमार में चूर नजर आ रहे हैं। भीड़ देखकर यही कयास लगाया जा सकता है कि शायद नेताओं को आचार संहिता के नियमों की जानकारी नहीं है या फिर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बुधवार को भागलपुर में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे कई प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के बाहर लगा रहा। इस दौरान न तो कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन हुआ और न ही धारा 144 का असर दिखा। वहीं कहलगांव में भी नॉमिनेशन कराने आए प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों का हुजूम जुटा रहा। वहां भी कोविड-19 की नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर बंद की गई जेएलएनएमसीएच भागलपुर की इंडोर सेवा बुधवार से मरीजों के लिए शुरू कर दी गई। भागलपुर मायागंज अस्पताल को कोविड स्पेशल अस्पताल घोषित करने के बाद भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों के मरीजों को इंडोर सेवा बंद होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब फिर से मायागंज अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवाया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ऑर्थोपेडिक, गायनी, मेडिसिन, दंत समेत कई विभागों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं और इमरजेंसी सेवा भी जारी रहेगी, जबकि ओपीडी सेवा 12 अक्टूबर को शुरू कर दी जाएगी। इंडोर और ओपीडी सेवा शुरू करने को लेकर बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर को इंडोर में शिफ्ट करने के अलावा अस्पताल को सैनिटाइज भी कराया गया है। पुलिस जिला नवगछिया में बुधवार को खरीक थाना क्षेत्र NH 31 चकमौदा चौक के समीप सीओ निशांत कुमार एवं थानाध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त सर्विलांस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बाइक सवार की तलाशी लेने पर उसके पास से 3,50,600 रुपए बरामद हुए। अधिकारियों ने जब युवक से पैसे के बारे में पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिस कारण पुलिस ने रुपया जब्त कर लिया। वहीं युवक ने कहा कि वो मक्का व्यवसायी है और मक्का का ही बकाया रुपया वसूली कर घर वापस जा रहा था। तभी पुलिस ने रोक कर पूछताछ शुरू कर दी और सारा रुपया जब्त कर लिया। युवक मुकेश शाह खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से हरेक विधानसभा में 3 SST स्टेटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। इनका काम होता है जैसे शराब, आर्म्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, पैसे का इधर उधर नहीं हो, उस सब के लिए बनाया हुआ है। पैसा के लिए है कि 50,000 से ज़्यादा का लिमिटेशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। उसी का चेकिंग होता है हर जगह पर। उसी चेकिंग के क्रम में इनके पास में से 3.5 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिसका सीजर मजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे और जो प्रोसीड्योर है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
बारिश के मौसम में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती है। आमतौर पर बुखार में लोग पहले घर में ही दवाइयां लेकर प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त पर डेंगू का इलाज शुरू न होने पर बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए डेंगू होने पर खुद ही दवाई लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वहीं भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि डेंगू का बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि आमतौर पर गमलों, कूलरों और टायर में इकट्ठा हुए साफ पानी में यह मच्छर पनपता है, इसीलिए इससे बचाव के लिए घर और आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं रहने दें। ऐसी स्थानों पर डेंगू एवं मलेरिया के लार्वा पनप सकते हैं। शहर के वरीय फिजिशियन डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैरों में तेज दर्द, शरीर पर दाने निकल आना और कभी कभी उल्टी होना डेंगू के सामान्य लक्षण हैं। सबसे पहले तो शहरवासियों के खुशखबरी दे दूं कि कोरोना का प्रकोप घट रहा है और हमारा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अब जनरल बीमारियों के लिए भी खोल दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डेंगू का जो प्रकोप जो है, डेंगू डंक मार रहा है और ये डेंगू की बीमारी एक वायरल संक्रमण है और यह वायरस चार तरह के सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। और यह वायरल संक्रमण मादा मच्छर होती है ईडीज प्रजाति की, उसके डंक मारने से 4 से 7 दिन के अंदर इसमें लक्षण उभरने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर डीआरडीए परिसर से भारत स्काउट एंड गाइड ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना हम सभी के लिए अनिवार्य है। स्वीप कार्य योजना के तहत निकाली गई जागरूकता रैली में स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने आम लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। साथ ही मतदान के महत्व से जुड़े कई सारे नारे भी लगाए गए। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अलग अलग विभागों द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली जाती है। अभी ये जो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो स्काउट के बच्चे हैं उनके माध्यम से हम लोग रैली निकाल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाताओं को जागरूक करना। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, उसमें आज ये स्काउट के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से जागरूकता। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर जिले के निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर नाथनगर सीओ राजेश कुमार के साथ पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र में दोगच्छी बाईपास के समीप चार पहिया वाहन को जब्त किया है। साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी वाहनों की तलाशी ली गई और चुनाव में पैसे की आवाजाही पर भी पुलिस पैनी नजर रख रही है। भागलपुर जिला में प्रथम फेज का चुनाव जो है 28 तारीख को है, 28/2020। इसी दौरान जो है गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी पोलिंग के लिए, पोलिंग मजिस्ट्रेट के लिए, और गाड़ी की संख्या लगभग 250 की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। अभी तक हमने लगभग 100 गाड़ी का सिलेंडर गाड़ी को उपलब्ध करा दिया है। कोशिश जारी है ताकि चुनाव में गाड़ी की कमी नहीं हो। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सुल्तानगंज से 7 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कहलगांव में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार ने किया नॉमिनेशन। मेडिकल कॉलेज छात्रावास के गार्ड की अपराधियों ने की हत्या। संदिग्ध अवस्था में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। वाहन चेकिंग के दौरान मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में शराब बरामद। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ट्रेन परिचालन को लेकर रेलवे ने किया नोटिफिकेशन जारी। 12 अक्टूबर से दिल्ली और कोलकाता के लिए चलेगी ट्रेन। 6 माह बाद यात्रियों को मिलेगी राहत। और नवगछिया में लापता युवक का शव पोखर से हुआ बरामद। घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।